अब जैसे सरकार जो है, जो सीएम साहब बैठे हुए हैं, किस प्रकार से वो गवर्न कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस वहीं लगाएगा जहां पर उसे क्या हो, सेफ्टी हो। चलिए सभी दोस्तों को नमस्कार। आज हम बात करेंगे यूपी स्पेशल पे। यूपी स्पेशल में जो हमारा फिफ्थ और सिक्स पेपर है, यानी कि पांचवा और जो छठवां पेपर है हमारा, उसके बारे में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। उसके सिलेबस पे बात करेंगे कि यूपी में जो है, आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश में जो है ऑप्शनल पेपर की जगह पे जो है दो पेपर इंक्लूड किया गया, जो पांचवा हमारा छठवां पेपर है। अब यूपी के बारे में पूरा जानना भी हमको जरूरी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का स्लोगन ही है कि मुस्कुराइए आप उत्तर प्रदेश में हैं, यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा। तो यूपी का समग्र अध्ययन हमको करना है। जिस प्रकार से यूपी का वेटेज बढ़ा गया है, उत्तर प्रदेश स्पेशल का जो वेटेज बढ़ा हुआ है, उसमें हमें सब कुछ पढ़ना है। उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर से लगाए जितने भी योजनाएं हैं, गवर्नेंस है, सिक्योरिटी है, सब कुछ हमको उत्तर प्रदेश के हिसाब से पढ़ना है। तो आइए हम एक शुरुआत करते हैं हमारे पांचवें पेपर के सिलेबस में, देखते हैं कि क्या दिया हुआ है, क्योंकि हमको सिलेबस के अनुसार ही जो है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हमको चलना है। तो आइए एक एक करके जो है हम इस पे डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के सिलेबस में पांचवें पेपर पे, तो उत्तर प्रदेश के देखिए सिलेबस में जो पांचवा पेपर है, उस पेपर में क्या दिया हुआ है, उस पेपर में दिया हुआ है आपका समान अध्ययन के पेपर फाइव में दिया हुआ है उत्तर प्रदेश का इतिहास। आखिर उत्तर प्रदेश का जो हम एंशियंट हिस्ट्री पढ़ते हैं, उस एंशियंट हिस्ट्री में जो है उत्तर प्रदेश का क्या रोल है, एंशियंट हिस्ट्री में उत्तर प्रदेश के कौन से ऐसे स्थान हैं जहां से कुछ स्थान से जहां से कुछ मिला हुआ है। तो उत्तर प्रदेश का जो है हमें क्या पढ़ना है, उत्तर प्रदेश का इतिहास पढ़ना है। इतिहास मतलब पूरी हिस्ट्री, चाहे वो एंशियंट हो, चाहे मेडावल हो, चाहे वो मॉडर्न हो, उस सारी हिस्ट्री उत्तर प्रदेश के हिसाब से हमको पढ़ना है। यानी कि यूपी के हिसाब से हमें उत्तर प्रदेश के जितने भी हो, चूंकि आप अगर आप देखेंगे तो शुरुआत में अगर चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे आप देखेंगे आज रामायण सर्किट की बात की जा रही है कि राम जी से जुड़े हुए जितने भी स्थान है उसको जोड़ने की बात की जा रही है, या बौद्ध धर्म से बौद्ध सर्किट की जो बात की जा रही है, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए जितने भी स्थान है उसको जोड़ने की बात की जा रही है। आप बौद्ध धर्म में भी अगर देखेंगे कि तो गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश सारनाथ में दिया था, मतलब पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, और सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिया, या उनका महापरिनिर्वाण जो हुआ वो कुशीनारा मल्लू की राजधानी में हुआ। तो काफी इंपॉर्टेंट है हमको जानना, और ये सारी चीजें जो है जो हम पढ़ते हैं वो यूपी के हिसाब से इसमें पढ़ेंगे। तो उत्तर प्रदेश का इतिहास जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश की सभ्यता, आखिर कैसी सभ्यता उत्तर प्रदेश की शुरुआत में इतिहास के हिसाब से रही है, उसके बारे में पढ़ना है हमको। और संस्कृति पढ़ना है, क्योंकि भारत ऐसा देश है जहां पर हर तरह की संस्कृति देखने को मिलती है, अनेक प्रकार की विविधता देखने को मिलती है, डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तो उत्तर प्रदेश की संस्कृति के बारे में भी हमको जानना है कि कहां पर कौन सी संस्कृति किस तरह से काम कर रही है। और जितने भी हमारे प्राचीन नगर हैं, अगर आप महाजनपद के बारे में जानते होंगे, 16 महाजनपद में 8 महाजनपद तो उत्तर प्रदेश के ही थे, उन महाजनपदों के बारे में जानना है। तो देखिए आपके सिलेबस में जो है जितने भी प्राचीन नगर है, चाहे बनारस हो, चाहे इलाहाबाद हो यानी कि प्रयागराज हो, ठीक है, चाहे वो काशी हो, सभी के बारे में जो है हमें उत्तर प्रदेश के हिसाब से इन चीजों के बारे में जानना भी है। तो ये आपके सिलेबस में दिया है उत्तर प्रदेश का इतिहास, उत्तर प्रदेश की सभ्यता, उत्तर प्रदेश की संस्कृति, और जितने भी हमारे प्राचीन नगर हैं, चाहे वो कन्नौज हो, ठीक है, चाहे वो जो भी आप कह सके उत्तर प्रदेश के हिसाब से, या आजादी के जो मूवमेंट में जो है जिस प्रकार का रोल उत्तर प्रदेश कर रहा है, तो उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में, सभ्यता के बारे में, उत्तर प्रदेश की संस्कृति के बारे में सब कुछ जो है आपके सिलेबस में देखिए फर्स्ट पेपर में दिया हुआ है। और मैं ये बार बार सिलेबस पे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एक स्टूडेंट को उत्तर प्रदेश का सिलेबस पूरा याद होना चाहिए, क्योंकि अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको चलना है, और आयोग भी जो प्रश्न पूछ रहा है, आप प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, एक एक सिलेबस के एक एक पॉइंट को तोड़ तोड़ के क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश की इतिहास, सभ्यता, संस्कृति और प्राचीन जितने भी नगर हैं, उन नगरों के बारे में हमें पढ़ना है। जैसे मान लीजिए कुशीनारा है, जहां पर गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई, कुशीनारा मल्लों की राजधानी थी, तो कुशीनगर के बारे में पूछ देगा। आप सभी जानते हैं कि सरकार भी बात कर रही है आजकल बौद्ध सर्किट को जोड़ने की बात की जा रही है, चूंकि टूरिज्म होगा, पर्यटन होगा, तो क्या होगा, लोग वहां पर आएंगे, और क्या होगा, राजस्व में वृद्धि होगी, टूरिस्ट आएंगे, वहां के लोकल लोगों को रोजगार मिलेगा, सरकार को राजस्व में इजाफा होगा। तो इसीलिए सरकार टूरिज्म की बात को भी प्रमोट कर रही है आज के डेट में, और इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार का स्लोगन ही है कि मुस्कुराइए आप उत्तर प्रदेश में हैं, यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा।
दूसरा टॉपिक में देखिए दिया है उत्तर प्रदेश की वास्तुकला, उत्तर प्रदेश की उसकी वास्तुकला की महत्ता क्या है और उसका रखरखाव किस प्रकार किया जा रहा है, और जितने भी संग्रहालय हैं उत्तर प्रदेश में, अभिलेखागार हैं और पुरातत्व, ये सभी के सभी जो है आपके सिलेबस में अकॉर्डिंग इसके दिया हुआ है। तो इतिहास जब जानेंगे तो संग्रहालय के बारे में भी जानेंगे, पुरातत्व के बारे में भी जानेंगे, इसके साथ ही साथ जो है उसकी क्या महत्ता है, वास्तुकला की क्या महत्ता है, उसको किस प्रकार रखरखाव किया जा रहा है और अभिलेखागार के बारे में जानेंगे। ये सारा का सारा जो है आपके उत्तर प्रदेश के सिलेबस में दिया हुआ है। तो एक एक टॉपिक के सब टॉपिक को भी हमको अच्छे से कवर करते हुए चलना है कि उत्तर प्रदेश के हिसाब से हमको पढ़ना है उत्तर प्रदेश के, ठीक है। तो चलिए अगला बात करते हैं, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में 1857 से पहले और बाद में उत्तर प्रदेश का योगदान। देखिए कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी कि जो मॉडर्न इंडिया आप पढ़ते हैं, 1857 का महाविद्रोह, 1857 का रेवोल्यूशन की जो बात हो रही है, क्रांति की बात हो रही है, और क्रांति का मतलब ये होता है आमूलचूल परिवर्तन, किसी भी सिस्टम में आमूलचूल परिवर्तन, दैट इज कॉल्ड क्रांति, दैट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। और 1857 के महाविद्रोह में मान लीजिए बरेली में किसी ने नेतृत्व किया, बलिया में किसी ने नेतृत्व किया, या आपके रुहेलखंड में किसी ने नेतृत्व किया जिसे बरेली कहते हैं, या लखनऊ में किसी ने नेतृत्व किया, या अवध में किसी ने नेतृत्व किया, या प्रयागराज में किसी ने नेतृत्व किया, जो भी नेतृत्व करता है जो हमारे 1857 के महाविद्रोह में जो है जो इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, तो 1857 के महाविद्रोह, और ये जो 1857 का महाविद्रोह आप सभी जानते हैं एक टर्निंग पॉइंट था इतिहास का, क्योंकि 1757 से लेकर 1857 के बीच में जो 100 साल का दर्द था वो कहीं ना कहीं 1857 के महाविद्रोह में देखने को मिलता है। झांसी काफी इंपॉर्टेंट, कानपुर तात्या टोपे या झांसी रानी लक्ष्मीबाई, जितने भी लोगों ने हमारे सूरवीरों ने 1857 के महाविद्रोह में जो है उन लोगों ने अपना योगदान दिया, अपने आप को पार्टिसिपेट किया, उन सभी के बारे में जो है हमें पढ़ना है। तो 1857 के महाविद्रोह में जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर हैं स्वतंत्रता संग्राम में 1857 से पहले और उसके बाद में उत्तर प्रदेश का क्या योगदान है, जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर जो उत्तर प्रदेश से आते हैं, चाहे वो राम प्रसाद बिस्मिल साहब हो, चाहे अशफाक उल्ला खान साहब हो, इस सभी के बारे में जो हमें पढ़ना है, ठीक है। तो ये अच्छे से आपके सिलेबस में दिया हुआ है 1857 का महाविद्रोह, उसके पहले और उसके बाद में जो उत्तर प्रदेश का आखिर योगदान किया था, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने पार्टिसिपेट किया, तो कानपुर में तात्या टोपे ने किया, इसके साथ साथ बरेली में या लखनऊ में अगर आप देखेंगे बेगम हजरत महल, जिसे महकपरी के नाम से जाना जाता है, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया उन सभी के बारे में हमें अच्छे से पढ़ना है और ये आपके सिलेबस में ये दिया हुआ है। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के सुविख्यात स्वतंत्रता सेनानी और उसके व्यक्तित्व के बारे में हमें पढ़ना है, जो भी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, और आपके प्रीलिम्स के पेपर में भी जो है इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि राम प्रसाद बिस्मिल को किस जेल में फांसी दी गई, या काकोरी कांड से क्वेश्चन पूछ देगा कि काकोरी डकैती हुई थी तो कौन वकील कौन था, या काकोरी डकैती में किसने किसने पार्टिसिपेट किया था, या चसारे की मीटिंग हुई थी उस समय किसने पार्टिसिपेट किया था। तो ये सारे के सारे जितने भी हमारे सुविख्यात स्वतंत्रता सेनानी हैं उन सभी के व्यक्तित्व के बारे में भी हमारे सिलेबस में दिया हुआ है और इसके बारे में भी हमको अच्छे से पढ़ना है। एक एक चीज जो है, एक एक टॉपिक का हमको सब टॉपिक भी पढ़ना है, चाहे वो एंशियंट हो, चाहे वो मेडाइवल हो, चाहे वो मॉडर्न हो, हमें सबके अनुसार जो है इन चीजों को लेकर चलना है। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में ग्रामीण, शहरी एवं जनजातीय मुद्दे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश वो प्रदेश है, पूरे भारत की सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है, सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें भी उत्तर प्रदेश की हैं, सबसे ज्यादा राज्यसभा की सदस्य बात की जाए वो भी उत्तर प्रदेश की है, विधानसभा विधान परिषद यानी कि केंद्र में सरकार बनाने में भी उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा योगदान है। और इसी बार का लोकसभा का चुनाव हुआ, आपने देखा ही होगा कि एक क्षेत्रीय पार्टी, क्योंकि ये भारत में क्या है, दल नहीं दलदल है, और ये एक छोटी सी पार्टी, एक क्षेत्रीय पार्टी जो है काफी चुनौती दी एक राष्ट्रीयकृत पार्टी को उत्तर प्रदेश में, मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन आप लोग समझदार हैं। तो क्षेत्रीय पार्टियों की क्या योगदान है उत्तर प्रदेश के चुनाव में, और जैसे मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश हर हिसाब से, चाहे वो लोकसभा की सीटों की बात की जाए, राज्यसभा की सीटों की बात की जाए, विधानसभा में दबदबा देखा जाए या विधान परिषद में देखा जाए, सभी में उत्तर प्रदेश का, और पॉपुलेशन तो खैर उत्तर प्रदेश का 24 करोड़ से ज्यादा वैसे ही है, अभी तो 2011 की जनगणना है, पता नहीं कितना एक्चुअल में है, लेकिन हमें 2011 का सेंसस लेके चलना है। तो उत्तर प्रदेश में चाहे ग्रामीण हो, चाहे शहरी हो, ठीक है, चाहे रूरल हो, चाहे वो अर्बन हो, चाहे वो जनजाति मुद्दे हो, चाहे सामाजिक उनकी जनजातियों के सामाजिक संरचना हो, चाहे उत्तर प्रदेश में जितने भी त्यौहार मनाए जाते हैं, कहीं पर कोई भी मेला लग रहा है,
ठीक है, तो बटुकेश्वर मेला लग रहा है, तो कहीं कुछ हो रहा है, कहीं मेले हो रहे हैं, कहीं त्योहार हो रहे हैं, कहीं संगीत हो रहा है, कहीं लोक नृत्य हो रहा है, कहीं पर भोजपुरी बोली जा रही है, कहीं पर अवधी बोली जा रही है, ये सारी चीजें हमें सब उत्तर प्रदेश के हिसाब से जानना है। तो आपके सिलेबस में देखेंगे, चाहे पीटी में देखें, चाहे मेंस में देखें, सामाजिक संरचना आखिर कैसा सोशल स्ट्रक्चर था उनका, किस प्रकार के फेस्टिवल त्योहार मेले संगीत लोक नृत्य कौन कौन सी है उत्तर प्रदेश की, भाषा कौन कौन सी है, कहीं पूर्वांचल में भोजपुरी बोली जा रही है, कहीं अवधी बोली जा रही है, कहीं ब्रज भाषा बोला जा रहा है, तो इन भाषाओं के बारे में भी हमको अच्छे से पढ़ना है, साहित्य के बारे में पढ़ना है, बोली के बारे में पढ़ना है, सामाजिक प्रथाएं जो मानने वाले लोग हैं उनके बारे में, और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं लास्ट में कहता हूं, पर्यटन टूरिज्म, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार आज पर्यटन पे फोकस कर रही है। पर्यटन बढ़ेगा तो लोगों को रोजगार क्रिएट होगा, लोकल लोगों को रोजगार मिलेगा, इसके साथ साथ जो होगा बाहर के लोग उत्तर प्रदेश में आएंगे, उत्तर प्रदेश के बारे में जानेंगे, और जहां पर भी कानून व्यवस्था होता है, क्योंकि सारी चीजें क्या है, एक इकोसिस्टम है, अगर जहां कानून व्यवस्था अच्छा रहेगा, कोई भी बड़े लोग उद्योगपति उत्तर प्रदेश में क्या लेंगे, अपना प्रोजेक्ट लगाएंगे, प्रोजेक्ट लगाएंगे तो लोकल लोगों को रोजगार मिलेगा या उत्तर प्रदेश के लोगों को रोजगार मिलेगा। तो जाहिर सी बात है, सरकार पर्यटन पे ज्यादा फोकस कर रही है कि पर्यटन उद्योग की तरह, जैसे उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहां पर पर्यटन पे ज्यादा फोकस है, उस राज्य में अगर देखेंगे कोई बड़ी कंपनी नहीं है, लेकिन वहां पर राज्य सरकार का एक आय का बहुत बड़ा स्रोत है पर्यटन टूरिज्म है, चाहे हिमाचल प्रदेश हो चाहे उत्तराखंड हो। वैसे उत्तर प्रदेश चूंकि हर तरह के मतावलंबी उत्तर प्रदेश में मानने वाले लोग हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार चाहती है पर्यटन को प्रमोट करना, और ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो चाहे उत्तर प्रदेश में ग्रामीण शहरी एवं जनजाति जो भी मुद्दे हैं, और चूंकि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों की संख्या सबसे ज्यादा है, जबकि मध्य प्रदेश जो है आपका अनुसूचित शेड्यूल ट्राइबल की संख्या ज्यादा है, अनुसूचित जनजाति की संख्या ज्यादा है, और उत्तर प्रदेश में शेड्यूल कास्ट की संख्या ज्यादा है। इसलिए जो भी जनजातियां हैं उन जनजातियों के बारे में हमें पढ़ना है, चाहे थारू जनजाति हो या जितनी भी जनजातियां हैं, उन सभी के बारे में जो है हमें अच्छे से पढ़ना है। इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की देखिए पॉलिटी में, ये तो रहा आपका हिस्ट्री पूरी की पूरी, साहित्य बोली जो भी है उत्तर प्रदेश के हिसाब से, अब देखिए उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था, शासन प्रणाली आखिर कैसी शासन प्रणाली है उत्तर प्रदेश की। भाई मुख्यमंत्री होंगे, राज्यपाल होंगे, एक नियम बनाएगा, एक नियम को फॉलो करवाएगा। तो उत्तर प्रदेश की शासन प्रणाली की बात की जाए, चाहे राज्यपाल के बारे में बात किया जाए, चाहे मुख्यमंत्री के बारे में बात किया जाए, या उसके मंत्रिपरिषद के बारे में बात किया जाए, चाहे विधानसभा हो, विधान परिषद हो, और केंद्र और राज्य संबंध काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन लगातार पूछ रहा है आजकल कि डबल इंजन की सरकार, जो आजकल विपक्ष भी कर रही है कि डबल इंजन की सरकार है, तो केंद्र और राज्य के बीच में क्या रिलेशन है, सेंटर एंड स्टेट का क्या रिलेशन है, उसके बारे में भी हमको अच्छे से पढ़ना, और जो भी केंद्र की योजनाएं हैं या जो राज्य सरकार की योजनाएं हैं उसमें केंद्र का कितना रोल है, इसके बारे में भी हमको पढ़ना है। तो ये आपके पॉलिटी के सेशन में पढ़ाया जाएगा, उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था, पॉलिटी, शासन प्रणाली, गवर्नेंस कितना इंपॉर्टेंट है, रूल करना उत्तर प्रदेश को, गवर्न करना उत्तर प्रदेश को, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, और ये शासन प्रणाली उत्तर प्रदेश का पढ़ना है। मंत्रिपरिषद के बारे में पूरा का पढ़ना है कि कौन कौन से मंत्रिपरिषद में कौन कौन सदस्य है, किनको कौन सा डिपार्टमेंट दिया गया है, मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ना है, और चूंकि योगी बाबा के बारे में तो सभी लोग जानते हैं, उनका जो काम करने का तरीका जो है सभी लोग जानते हैं, विधानसभा और विधान परिषद के बारे में पढ़ना है, चूंकि सीटें ज्यादा हैं उत्तर प्रदेश में, चाहे विधानसभा हो चाहे विधान परिषद हो, आप सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश वो प्रदेश है, अगर केंद्र में किसी कोई भी प्रधानमंत्री बनेगा तो उसका दरवाजा उत्तर प्रदेश से ही होकर गुजरता है, और चूंकि संख्या ज्यादा है इसलिए उत्तर प्रदेश का सबकी नजर भी उत्तर प्रदेश की राजनीति पे देखने को मिलती है। इसलिए उत्तर प्रदेश में जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, आप देखेंगे बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टियां राजनीतिक मतलब जो दल हैं, जो राष्ट्रीयकृत पार्टियां, उनसे भी मिलकर जो है चुनाव लड़ी हैं इस बार भी, और क्षेत्रीय पार्टियों का एक दबदबा भी उत्तर प्रदेश के इस बार के चुनाव में देखने को मिला है। उनके अलग अलग अपने हित होते हैं, उन हितों के बारे में भी हमें पढ़ना है। तो चाहे विधानसभा हो, विधान परिषद हो, या केंद्र और राज्य का जो संबंध है, सेंटर एंड स्टेट का जो रिलेशन है, उस रिलेशन के बारे में भी जो है उत्तर प्रदेश में हमको पढ़ना है, और उत्तर प्रदेश के हिसाब से उत्तर प्रदेश की पॉलिटी को देखना है। ठीक है, एकदम क्रिस्टल क्लियर रहिए, जितने भी टॉपिक आपको बताए जा रहे हैं उस टॉपिक का सब टॉपिक भी हमको देख के चलना है, और उसके हिसाब से हमको जो है अपनी तैयारी को जो है आयाम देना है, वो डायमेंशन देना है, क्योंकि अगर आपको रास्ता नहीं क्लियर होगा कि हमें पढ़ना क्या है तो फिर आप भटकते रह जाएंगे। एक एक चीज इसलिए मैं तोड़ तोड़ के बता रहा हूं कि चाहे राज्य व्यवस्था हो, पॉलिटी हो उत्तर प्रदेश की,
शासन प्रणाली हो, राज्यपाल की क्या भूमिका है उत्तर प्रदेश में, मुख्यमंत्री की क्या भूमिका है, मंत्रिपरिषद की क्या भूमिका है, विधानसभा और विधान परिषद की क्या भूमिका है, इसके साथ ही साथ केंद्र और राज्य यानी कि सेंटर एंड स्टेट का क्या रिलेशन है उत्तर प्रदेश का, ये भी हमको पढ़ना है। क्योंकि पेपर में क्वेश्चन तो कैसे भी आ सकते हैं कि डबल इंजन की सरकार, मान लीजिए बार बार कहा जा रहा है, आखिर ये डबल इंजन की सरकार का मतलब क्या है, डबल इंजन की सरकार का मतलब क्या है, इसके बारे में भी हमको पढ़ना है। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में लोक सेवाएं, लोक सेवा आयोग, लेखा परीक्षा, महान्यायवादी, उच्च न्यायालय और उसका अधिकार क्षेत्र, इसके बारे में भी हम सभी को पढ़ना है। यानी कि उत्तर प्रदेश में जो भी लोक सेवाएं हैं और या लोक सेवा आयोग है, चूंकि आप सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो है काफी बड़ा आयोग है। उत्तर प्रदेश वो प्रदेश है जहां के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या ज्यादा है। सबसे बड़ा अगर कोई न्यायालय है उत्तर प्रदेश का, प्रयागराज न्यायालय है, यानी कि इलाहाबाद न्यायालय है जिसका खंडपीठ लखनऊ में भी है, या जो हमारे लेखा परीक्षा है, या महान्यायवादी, जैसे केंद्र में महाधिवक्ता होते हैं वैसे राज्यों में विधि अधिकारी जो होता है महान्यायवादी होता है। इसके साथ साथ उच्च न्यायालय के बारे में हमको पढ़ना है और उसका अधिकार क्षेत्र क्या है, इन सभी के बारे में आपके सिलेबस में दिया हुआ है। यानी कि लोक सेवा आयोग जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, राज्य लोक सेवा आयोग यानी कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात जो कर रहा हूं, उसके बारे में भी हमको पढ़ना है कि लोक सेवा आयोग के जो है, राज्य लोक सेवा आयोग जो है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो है अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, ठीक है, उनके स्ट्रक्चर के बारे में, कितने साल तक वो रहते हैं, कितनी उनकी उम्र होनी चाहिए, त्याग पत्र कैसे देते हैं, उनके ऊपर एलिगेशन लगाया जाए तो कैसे क्या होगा, इन सभी चीजों के बारे में भी जो है हमको उत्तर प्रदेश के हिसाब से पढ़ना है। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश विशेष राज्य चयन मानदंड, ये जो डबल इंजन की सरकार बार बार कह रही है कि विशेष राज्य चयन मानदंड क्या है उत्तर प्रदेश का, ये भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है। राजभाषा के बारे में भी उत्तर प्रदेश का दिया हुआ है। संचित निधि या एवं आकस्मिक निधि जो आप पॉलिटी में पढ़ते हो वो भी उत्तर प्रदेश की संचित निधि, उत्तर प्रदेश की आकस्मिक निधि, या राजनीतिक दल जितने भी उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक दल हैं, एवं राज्य निर्वाचन आयोग, चूंकि राज्य निर्वाचन आयोग का एक बहुत बड़ा रोल है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि जो भी नगर पालिका का चुनाव होता है, नगर पंचायत का चुनाव होता है या महानगर पालिका का चुनाव होता है, वो सभी चुनाव जो है राज्य निर्वाचन आयोग कराता है, या प्रधान का चुनाव हो गांव में, ये सब वही सब कराता है। तो एक चुनाव कराने की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग के पास बहुत बड़ी होती है और ये सब आपके सिलेबस में दिया हुआ है, ठीक है। संचित निधि के बारे में भी आपने पढ़ा होगा, आकस्मिक निधि के बारे में पढ़ाया जाएगा, जितने भी राजनीतिक दल हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियों का क्या योगदान है, क्षेत्रीय पार्टियों का क्या अपना हित है, क्षेत्रीय पार्टियां कौन कौन सी हैं, इन सभी के बारे में हमें उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है, हमको अच्छे से देखना है, ठीक है। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वशासन यानी कि लोकल जो बात की जाए, स्थानीय जो स्वशासन है हमारा, उसके बारे में भी हम सबको पढ़ना है। शहरी एवं पंचायती राज व्यवस्था के बारे में उत्तर प्रदेश के पढ़ना है, लोक नीति के बारे में हमको पढ़ना है और उसके अधिकार एवं संबंधित जो मुद्दे हैं उन सभी के बारे में आपके सिलेबस में दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि गवर्नेंस का जो पार्ट है देखिए यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, ठीक है, अभिशासन जिसे कहा जाता है, ई गवर्नेंस जिसे कहा जाता है, आखिर कैसे गवर्न किया जाए उत्तर प्रदेश को, तो ये सारी चीजें आपके सिलेबस में दी है कि स्थानीय स्वशासन। और गांधी जी भी तो कहा करते थे कि सत्ता का हमेशा क्या होना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, क्योंकि सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होनी चाहिए, सत्ता सबके पास बटा होना चाहिए, नहीं तो अगर एक व्यक्ति के पास अगर सत्ता आ जाएगी तो व्यक्ति क्या हो जाएगा, तनाशाह हो जाएगा। इसीलिए यहां पर देखिए दिया हुआ है स्थानीय स्वशासन के बारे में यहां बात की जा रही है, यानी कि गांव में प्रधान है, जिला पंचायत सदस्य मान लीजिए है, विधायक है, सांसद है, सबकी एक हायरार्की है, ठीक है। जैसे बीडीसी का चुनाव होता है, क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव होता है, उसके बाद बीडीओ का जो ब्लॉक प्रमुख होते हैं उनका चुनाव होता है, या जिला पंचायत सदस्य जो होते हैं जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, ठीक है। तो एक हायरार्की बनी हुई है, सबका अपना एक अधिकार क्षेत्र है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप सिलेबस में सब कुछ दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वशासन दिया है, शहरी एवं पंचायती राज व्यवस्था के बारे में दिया है, लोक नीति क्या है उसके बारे में दिया हुआ है और उसके अधिकार क्षेत्र। सिर्फ नीति बनाने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ जो पॉलिसी बनाने से काम नहीं चलेगा, काम तब चलेगा जब वो धरातल पे काम करेगा, ग्राउंड लेवल पे जब काम करेगा तब वो पॉलिसी काम देगी, इसीलिए इसमें सब कुछ आपके मेंशन किया गया है। और सरकार ने कहा भी है, पहले क्या था, पहले लोग डिफेंस या कोई और सब्जेक्ट लेके जो है मेंस देते थे,
सरकार ने कहा कि देखिए 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में और सभी जिलों में एक आनंद है, हर जिलों का अपना एक आनंद है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पे बात चल रही है, एक जिला एक उत्पाद, हर जिला जो है अपने जो इम्पोर्टेंट जो प्रोडक्ट है उसको लॉन्च कर रहा है, उसके बारे में जो है देश दुनिया को बताया भी जा रहा है कि कहीं टेराकोटा है गोरखपुर का तो कहीं मुंज उत्पाद है तो कहीं कुछ है नक्काशी है लकड़ी की। हर जिले का अपना अपना एक है, सब जगह होता है। सरकार ने कहा कि देखो 75 जिले हैं और एक ब्यूरोक्रेट्स जो है, जो प्रशासनिक अधिकारी आप लोग बनने वाले हो, आपको कहां ट्रांसफर कर दिया जाए, इसलिए आप पूरे उत्तर प्रदेश को जानिए, परेशान मत होइए, पूरे यूपी को जान लीजिए पहले से, इसलिए सिलेबस में सब कुछ इंक्लूड कर दिया है कि यूपी में जो है हर चीज जानना है, हर जिले के बारे में जानना है। जहां पर मान लीजिए देवरिया है, देवराहा बाबा है वहां पे, तो उनके बारे में भी जानना है आपको, या गोरखपुर है, गीता प्रेस है, या गोरखपुर में जो भी चीजें हैं उनके बारे में भी आपको जानना है। तो ये सब आपके सिलेबस में इसलिए इंक्लूड किया गया है। उत्तर प्रदेश में सुशासन, अब जैसे सरकार जो है, जो सीएम साहब बैठे हुए हैं, किस प्रकार से वो गवर्न कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस वही लगाएगा जहां पर उसे क्या हो, सेफ्टी हो, जहां उसे सिक्योरिटी मिल सके, ठीक है। जहां पर आतंकवाद होगा, जहां पर नक्सलाइट अगर होगा, नक्सलिज्म होगा, वहां कोई थोड़े जाके वहां पे बिजनेस लगाना चाहेगा, वो वहीं लगाएगा जहां पर सरकार सुरक्षा दे, वहीं अपना पैसा वो इन्वेस्ट करना चाहता है, ठीक है। इसीलिए सुशासन का एक बहुत बड़ा रोल है, किस प्रकार का शासन हो, ठीक है, किस प्रकार से सरकार गवर्न कर रहे चीजों को लेके, किस प्रकार के लैंड एंड ऑर्डर मेंटेन किए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश के सुशासन के बारे में भी आप सभी को पढ़ना है। भ्रष्टाचार निवारण, किस प्रकार का भ्रष्टाचार हो रहा है और उस निवारण किस प्रकार निजात दिलाया जाए उस भ्रष्टाचार से, और जो भ्रष्टाचारी हैं किस प्रकार पे अंकुश उनको लगाया जाए, इसके बारे में भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है। इसके साथ ही साथ लोकायुक्त के बारे में जो बात की जा रही थी, सिटीजन चार्टर के बारे में जो बात की जा रही है, ई गवर्नेंस सूचना का अधिकार जो है, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, वो भी आपके सिलेबस में दिया गया है, और समाधान योजना के बारे में आपको दिया गया है। जैसे आप तो कोई दिक्कत होती है, सरकार का एक पोर्टल है UPIGRS, आप जाइए जिस डिपार्टमेंट में समस्या हो आपको, वहां पर जाके कंप्लेन कीजिए, उस पर जो है प्रॉपर तरीके से उसका मेंटेन होता है, वो चीजें देखी भी जाती हैं, वो प्रोसेस ऑनलाइन होता है सारी चीजें। तो इस सरकार की जो योजनाएं हैं वो धरातल पर किस प्रकार काम कर रही हैं, इन सभी के बारे में आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो ये सारी चीजें, जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं, उत्तर प्रदेश सरकार की जो इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं, और उन सभी के बारे में जो है हमको अच्छे से पढ़ना हो, ये सभी आपके पांचवें पेपर में देखिए दिया हुआ है। इतनी अच्छी खूबसूरती है इस पेपर की, जो बनाने वाला भी है सब कुछ इंक्लूड कर दिया है इसमें। उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार बहुत जरूरी है और इसका क्या प्रभाव हुआ ये भी हमको पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि सारा खेल तो जमीन का ही है और इतना बड़ा प्रदेश है, कहीं बंजर है और देख रहे हैं बुलडोजर बाबा जी को, हर जगह जहां पर भी कुछ भी हो रहा है तो वहां बुलडोजर पहुंच जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश में जो है आपको भूमि के सुधार के बारे में और उसका क्या इफेक्ट पड़ा है इसके बारे में भी जो है आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो देखिए यहां पर उत्तर प्रदेश का इतिहास हो, पॉलिटी हो, 1857 के महाविद्रोह के पहले, उसके बाद, स्वतंत्रता सेनानी, गवर्नेंस, सिक्योरिटी, सब कुछ दिया हुआ है। और आगे अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के हिसाब से, तो उत्तर प्रदेश में देखिए जो सुरक्षा से संबंधित जितने भी मुद्दे हैं, क्योंकि सिक्योरिटी बहुत जरूरी है भाई, हम बहुत सारे राज्यों से सीमा साझा करते हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर भी साझा करते हैं नेपाल के साथ, तो जाहिर सी बात है एक राज्य से दूसरे राज्य में, जैसे मान लीजिए सोनभद्र है, उत्तर प्रदेश का दक्षिण में चले सोनभद्र मान लीजिए, और सोनभद्र वो राज्य है, जिला है सॉरी, सोनभद्र जो चार राज्यों से सीमा साझा करता है, तो समस्या तो हर तरह की है, ट्रैफिकिंग की समस्या, जैसे मान लीजिए देवरिया जिला है वो बिहार से सीमा साझा करता है, या सोनभद्र है वो मध्य प्रदेश से भी करता है, छत्तीसगढ़ से भी करता है, झारखंड से भी करता है और बिहार से करता है। अब बिहार में मान लीजिए शराबबंदी है, यूपी में नहीं है, अब यहां से वहां चीजें कैसे जा रही है, तो गवर्न करना ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, किस प्रकार से आप चीजों को गवर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सिलेबस में आपके दिया हुआ है, सुरक्षा से जुड़े जितने भी सिक्योरिटी भी बहुत जरूरी है, चाहे वो इंटरनल सिक्योरिटी हो, चाहे वो एक्सटर्नल सिक्योरिटी हो, चाहे वो आंतरिक सुरक्षा की बात हो, चाहे वो बाह्य सुरक्षा की बात हो, काफी जरूरी है और ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है, तो इसको भी आप सभी को अच्छे से याद रखना है। उग्रवाद के प्रसार और विकास के बीच क्या संबंध है, क्योंकि उग्रवाद अगर जहां पर होगा तो राज्य कभी प्रॉस्पेरिटी नहीं पाएगा, क्योंकि ये कोई बड़ा सोल्यूशन नहीं है किसी चीज का। जहां उग्रवादी विचारधारा के लोग रहेंगे वहां पर उन चीजों का अंत तय है, आखिर किसी को आप कब तक मारोगे।
हिंदुस्तान हो चाहे पाकिस्तान हो, लड़ाई दोनों में होती है, लेकिन आप देखेंगे दोनों के बीच में मित्रवत संबंध बनाने के लिए हम क्रिकेट का सहारा लेते हैं, हम एक दूसरे से रिलेशन को मजबूत करते हैं, क्योंकि हमारे पड़ोसी हैं, पड़ोसी को नहीं बदल सकते। अटल जी ये बात कहते हैं, पड़ोसियों से प्रेम करिए। तो ये चीजें देखिए, उग्रवाद का प्रसार और उसके विकास के बीच क्या रिलेशन है, इस रिलेशन के बारे में भी हमको पढ़ना है। इसके साथ साथ बाह्य राज्य एवं अंतरराज्य सक्रियाओं से आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियां पैदा करने में संचार नेटवर्कों का, जिस प्रकार मीडिया का, सोशल नेटवर्किंग साइट की क्या भूमिका है, इसके बारे में भी हमको पढ़ना है। आप देखे होंगे आज सोशल मीडिया का जमाना है, किसी के बारे में कुछ भी अफवाह फैला दीजिए, क्या गलत है क्या सही है कुछ पता ही नहीं चलता है एक आम आदमी को। तो जब तक इसको रोका नहीं जाए तब तक ये बहुत बड़ी एक चुनौती है, क्योंकि हम बहुत सारे राज्यों से सीमा साझा करते हैं, दिल्ली से भी सीमा साझा करते हैं, केंद्र शासित प्रदेश से भी करते हैं, नेपाल जो एक अलग देश ही है उससे भी सीमा साझा करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं, और छोटे भाई की तरह है नेपाल, या बहुत सारे राज्य जिससे हम सीमा साझा करते हैं। तो मान लीजिए कोई भी चीजें अगर मान लीजिए फैल रही है सोशल नेटवर्किंग साइट पे, उस पर अंकुश लगाना जरूरी है। ये भी आपके सिलेबस पे देखिए दिया हुआ है, और इसको भी हमको अच्छे से कवर करना भी है। इसके साथ ही साथ साइबर सुरक्षा के बुनियादी नियम क्या हो, काले धन को वैध बनाना और इसकी रोकथाम करना, ये भी आपके सिलेबस में दिया है, क्योंकि आजकल साइबर सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। जिस प्रकार से सेंध लगाया जा रहा है आपके जमा पूंजी पे, आप देखेंगे कि लोग फोन कर रहे हैं, लोग से ओटीपी मांग ले रहे हैं, लोगों के अकाउंट से पैसे हैक हो जा रहे हैं, पैसे ही निकल जा रहे हैं, लोगों को पता ही नहीं चल रहा है। तो जिस प्रकार से, चूंकि कोई भी हो, तरीका कोई भी हो, जो गलत है वो गलत है, इसलिए साइबर सिक्योरिटी बहुत जरूरी है, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो, ठीक है, दोनों जरूरी है। और ये साइबर सुरक्षा के बुनियादी नियम क्या हो, क्या रूल हो, काले धन को वैध बनाना, ये सब आपके सिलेबस में दिया हुआ है, और इसकी किस प्रकार रोकथाम किया जाए, कैसी पॉलिसी बनाई जाए जिस पर काले धन पर हम अंकुश लगा सके। और काला धन कौन सा धन है, काला धन वो धन है ब्लैक मनी जिस पर हम टैक्स नहीं देते हैं, उसे वो क्या होता है, ब्लैक मनी होता है। तो ये सारी चीजें हैं, कैसी पॉलिसी बनाई जाए, कैसे रोकथाम किया जाए, ये भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है। इसके साथ साथ विभिन्न सुरक्षा बल, जो भी हमारे सुरक्षा बल हैं जो उत्तर प्रदेश में कार्यरत हैं, अभी पेपर भी चल रहा है, सुरक्षा देख ही रहा होगा आप सभी लोगों ने, भीड़ चल रही है, और एजेंसियां जो भी इंपॉर्टेंट हमारे उत्तर प्रदेश की एजेंसियां हैं, उनके शासनादेश अधिकार पत्र के बारे में भी जो है हमको, सर्कुलर के बारे में भी हमको अच्छे से पढ़ना है। इसके साथ साथ सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां और उसका प्रबंधन कैसे किया जाए, संगठित अपराधों का आतंकवाद से क्या संबंध है, ये सारी चीजें जो है हमारे जो है सिलेबस में दिया हुआ है, और ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट हैं, और ये भी हमको अच्छे से कवर करना है, क्योंकि मैंने कहा कि हम नेपाल से भी सीमा साझा करते हैं, तो जाहिर सी बात है हम नेपाल से सीमा साझा करते हैं तो कहीं उग्रवाद या आतंकवादी घुसपैठ या जो भी चीजें होंगी उस पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी है, इसीलिए आपके सिलेबस में देखिए ये चीजें भी दी हुई हैं। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें कानून व्यवस्था एवं नागरिक अधिकार सुरक्षा, किस प्रकार से नागरिकों को जो है सुरक्षित किया जाए उत्तर प्रदेश में, कानून कैसे बनाया जाए, किस प्रकार का नियम बनाया जाए, कैसे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाए, यह भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य और चिकित्सा संबंधी मुद्दे, आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश सरकार स्वास्थ्य को लेकर काफी चिंतित है, शिक्षा को लेकर काफी चिंतित है, क्योंकि जितना बड़ा प्रदेश और प्रदेश के लोगों को जो है मुफ्त इलाज दिलवाना, सरकारी योजनाओं को आम जन तक पहुंचाना, क्योंकि योजना बनने से ही नहीं होगा, उसको आम जनता तक पहुंचना भी चाहिए वो योजना, तो स्वास्थ्य हो चाहे शिक्षा, जो बेसिक नीड है एक आम व्यक्ति की, सभी की नीड है, उस पे जो है जो हमारे सिलेबस पे दिया हुआ है इसके बारे में भी हमको अच्छे से पढ़ना है। या उत्तर प्रदेश में शिक्षा प्रणाली कैसी हो, कैसी एजुकेशन पॉलिसी उत्तर प्रदेश की, इसके बारे में भी जो है हम लोग पढ़ेंगे, चूंकि सभी लोग समझदार व्यक्ति हैं, तो जो भी शिक्षा प्रणाली होगी उसके बारे में भी हम लोग को पढ़ना है अच्छे से। भारत के विकास में उत्तर प्रदेश की क्या भूमिका है बताइए, यही क्वेश्चन उठा के पूछ दे सॉरी कि भारत के विकास में उत्तर प्रदेश की क्या भूमिका है। जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा, उत्तर प्रदेश वो प्रदेश है जहां पर सब में नंबर वन पे है, सब में मतलब सारी सीटें, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, जो भी केंद्र में पीएम बनेगा उत्तर प्रदेश के रास्ते से होकर जाएगा वो, क्योंकि मैंने कहा ना कि भारत में दल नहीं दलदल है, और उत्तर प्रदेश की क्या भूमिका है सभी भली भांति जानते हैं, ठीक है, क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या है उत्तर प्रदेश,
और भारत के विकास में उत्तर प्रदेश की भूमिका, ये भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है और इससे भी देखिए क्वेश्चन पूछा गया है। आप क्वेश्चन उठाइए और एक एक चीज को तोड़ तोड़ के देखिए, आप लोग कहते हैं क्वेश्चन कहां से आता है, आपका सिलेबस दिया हुआ है, आप अपने सिलेबस को ही जहां पढ़ते हैं अच्छे से कवर कीजिए, सिलेबस को ही अच्छे से देखिए, सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश की समसमय की घटनाएं, जो भी करंट अफेयर आप पढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश की जो भी योजनाएं हैं उन योजनाओं के बारे में हम लोग को अच्छे से पढ़ना है, ये भी हम लोग को देखकर चलना है, ठीक है। तो समसमय की घटनाएं, जो भी उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर्स या जो भी योजनाएं सरकार निकाल रही है उसके बारे में भी हमको अच्छे से देखकर चलना है। इसके साथ साथ जल शक्ति मिशन एवं अन्य केंद्रीय योजना और उसका क्रियान्वयन, जो भी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं क्या वो राज्य में सही तरीके से वो रूल्ड हो रही है कि नहीं, सही तरीके से काम हो रही है कि नहीं, उनको क्रियान्वित करने की जो जिम्मेदारी दी गई है वो उत्तर प्रदेश में, जैसे जल शक्ति मान लीजिए मिशन है, हर जगह देख रहे हैं तालाब बनाया जा रहा है, जल शक्ति मिशन काम भी कर रहा है, या जो भी सरकार की अन्य योजनाएं हैं जैसे आयुष्मान भारत है, राज्य में जो है राज्य सरकार जो है इसको लेकर काफी सजग है, तो जो भी सरकार की योजनाएं हैं उन योजनाओं के बारे में हमको पढ़ना है। उत्तर प्रदेश में जो गैर सरकारी संगठन यानी कि जो भी हमारे एनजीओ हैं, किस प्रकार से एनजीओ काम कर रहे हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा एनजीओ है उसके बारे में या उसके जो मुद्दे हैं, योगदान है और उसका कितना इफेक्ट पड़ रहा है, इसके बारे में भी हमारे सिलेबस में दिया हुआ है कि हम उनके बारे में जाने कि आखिर उनका योगदान क्या है, क्या उसका इफेक्ट पड़ रहा है उन एनजीओ का, और अगर कोई समस्या हो रही है तो कैसे उसे निजात दिलाए ये एनजीओ, इनके बारे में भी हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश में जैसे शुरुआत में मैंने कहा पर्यटन, पर्यटन से संबंधित जो मुद्दे हैं, जो संभावनाएं हैं उत्तर प्रदेश में, क्योंकि पर्यटन पे फोकस आजकल हर सरकार कर रही है, उत्तर प्रदेश सरकार भी जो है टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात कर रही है, टूरिज्म बढ़ेगा तो लोकल लोगों को रोजगार तो मिलेगा ही मिलेगा, लोग उत्तर प्रदेश के बारे में जानेंगे और उत्तर प्रदेश के बारे में जब जानेंगे तो उत्तर प्रदेश सरकार को राजस्व में वृद्धि होगी, ठीक है। एक बहुत बड़ा उद्योग है पर्यटन उद्योग, ये भी आपके पांचवें पेपर में देखिए सब कुछ दिया हुआ है, तो हमने सारा डिटेल इसमें पढ़ा पांचवें पेपर में, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, गवर्नेंस हो, सिक्योरिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, सब कुछ तो दिया हुआ है इसमें, सारी चीजें योजनाओं से लगाए, करंट अफेयर से लगाए, सब कुछ उत्तर प्रदेश के हिसाब से जो है त्यौहार मेले जो भी है सब कुछ उत्तर प्रदेश के हिसाब से हमारे सिलेबस में दिया हुआ है और इन चीजों को हमको पढ़ना है। अब अगर हम बात करें लास्ट में तो उत्तर प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में इनोवेशन के बारे में यानी कि नवाचार के बारे में, इसके क्या मुद्दे हैं, इसका समाज में रोजगार और सामाजिक आर्थिक विकास पर सोशल इकोनॉमिक इफेक्ट क्या पड़ रहा है, इसके बारे में भी जो है हमारे सिलेबस में इनोवेशन के बारे में भी दिया हुआ है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है रोजगार। और उत्तर प्रदेश में देख ही रहे हैं रोजगार, रोजगार पे गाने भी आए, खैर मैं गाने पे बात नहीं करूंगा, हम बात करेंगे सामाजिक आर्थिक विकास पर, ठीक है। तो कोई लोगों को इतना सक्षम कीजिए कि लोग अपना खुद विकास कर सके, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, वरना 5 किलो राशन इंपॉर्टेंट नहीं है, लोगों का सामाजिक आर्थिक विकास पर कैसे हम प्रभाव जो पड़ रहा है वो ये इंपॉर्टेंट है, लोगों को इतना सशक्त किया जाए कि उत्तर प्रदेश का बच्चा बच्चा जहां पर भी जाए उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाते।